24 घंटे हो गए हैं, रिजल्ट ना देने के पीछे मेन वजूहत क्या है? अच्छा, पीपल वाले दो नंबर काम करेंगे। कोई अपना मफाद के लिए ये नहीं रिजल्ट रोके गए हैं। मेरा अपना घर होगा तो मैं अपने घर की देखभाल ज्यादा बेहतरी तरीके से करूंगा, वजह है कि बाहर वालों के। और पार्टी सारी ज्यादा कर सकते लोगों से। आवाम इससे खुश नहीं है, आवाम तो यह है कि मशीन से होना चाहिए। जमात इस्लामी कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है, अपना एक किरदार अदा कर रही है, प्लस पीपल्स पार्टी भी कर रही है। हल्का बंदियों का इशू था, उसको सही नहीं किया गया, वोटर लिस्टें थी उसको इशू नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान वसीम खानज़ादा। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कल बल्दियाती इलेक्शंस हुए और उनका अब तक रिजल्ट नहीं आया है। इस हवाले से हम आज अपनी आवाम से बात करेंगे कि अब तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, जबकि पहले इलेक्शंस होते थे तो शाम तक इलेक्शंस की रिजल्ट आ जाता था। अब 24 घंटे हो गए हैं, रिजल्ट ना देने के पीछे मेन वजूहत क्या है? आए चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल। अच्छा भाई, कल के जो इलेक्शन हुए बल्दियाती इलेक्शंस, उसमें कौन जीतेगा आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक तो इस टाइम पे पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, इन दोनों में से कोई है। और अब तक रिजल्ट ना आने के पीछे वजूहत क्या है भाई? रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट का मेन मकसद ये है कि देखें, पहले जो वोटिंग हुआ करती थी वो एक मकदार में हुआ करती थी, अभी इस टाइम पर जो वोटिंग हो रही है हमारी, हर हल्के से 300-400 वोट निकल रहे हैं। पहले निकले जाते थे हज़ारों के तादाद से वोट, अब ये 300-400 वोट क्यों नहीं शो कर रहे हैं? इसके पीछे मेन वजह क्या है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। इसके पीछे मेन वजह हम अपनी सरकार को ही बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं, सिंध गवर्नमेंट को ही बोलेंगे कि सिंध गवर्नमेंट इसका क्यों नहीं रिजल्ट दे रही है अभी तक के। पहले मकदार हुआ करती थी, उस दौरान रिजल्ट भी रात में ही शो हो जाया करता था, अभी यहाँ 24 घंटे होने को आ रहे हैं लेकिन रिजल्ट सामने नहीं आ रहा, तो उसकी वजह हम भी, अवाम भी, एक टोटली जितनी भी अवाम है वो भी यही चाह रही है कि रिजल्ट क्यों नहीं शो कर रही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इनका कोई चक्कर चल रहा है आपस में। और कल जो इलेक्शंस वगैरह हुए, क्या आप इनसे मुतमईन हैं कि ये साफ शफाफ हुए? 50-50 मैं तो यही कहूँगा कि पीपल्स पार्टी इस टाइम पर है और दूसरा जमात इस्लामी है, इन दो को वोट बनाना चाहिए क्योंकि इनका अपना हल्का ही है, इनका अपना शहर है। क्योंकि मेरा अपना घर होगा तो मैं अपने घर की देखभाल ज़्यादा बेहतरी तरीके से करूँगा, वजह है कि बाहर वालों के, बाहर वाला जो भी आएगा वो आपके मुल्क में, आपके शहर में कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो पहले तो गलियां नापेगा कि यार ये गली की लाइन कहाँ से कहाँ निकल रही है, कहाँ से कहाँ नहीं, उसको पता ही नहीं होगा, उसको कुछ पता ही नहीं होगा, समझने में उसको टाइम लगेगा। मेन चीज़ ये आपकी, इस टाइम पे जमात इस्लामी कराची में काम कर रही है, जमात इस्लामी कराची में बहुत अच्छा काम कर रही है, अपना एक किरदार अदा कर रही है, प्लस पीपल्स पार्टी भी कर रही है, नो डाउट। इन दो पार्टियों के खिलाफ तो नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि ये दो पार्टियाँ काम कर रही हैं इस टाइम पर। अगर जिन्होंने बायकॉट किया है और जिन्होंने अलग अलग किया है, वो एक अलग उनके अपने मफाद हैं, जो भी हैं हम नहीं जानते उस बारे में। हम सिर्फ इस चीज़ को जानते हैं कि जो ये छोटे छोटे इलेक्शन हुए हैं हल्के हल्कों में, इनको आप क्यों नहीं शो कर रहे हैं? हालांकि देखा जाए तो लाखों की मकदार में भी वोट नहीं है ये, जो पहले हुआ करते थे, अब क्यों नहीं हो रहे हैं वो सामने शो? कल बल्दियाती इलेक्शंस हुए, उसका रिजल्ट अब तक नहीं आया है, नहीं आने के पीछे वजूहत क्या है? ये जो पीपल का हुकूमत है ना, ये जो जुमाने से ऐसा किया, ये ज़बरदस्ती में जो इसको बोलेगा, जो वो लोगों का कोई वोट नहीं देते, आप ना जिता आवाज़ लगाएगा। अगर तो ये उम्मीद है जमात इस्लामी इसको कराची में जीत गया, वो तो आपके मुताबिक जमात इस्लामी जीतेगी? जीतेगा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का हुक्म से। मैं तो ये पार्टी में देख लिया ना बचपन से, ये शरीफ पार्टी है, ये जो ये किसी की ज़रा नहीं बताएगा। अब जो कुछ करेगा, साबुन करेगा गरीबों का, ये ज्यादा नहीं कर सकते, और पार्टी सारी ज्यादा कर सकते लोगों से।
और अब तक रिजल्ट ना आने के पीछे मेन वजूहत क्या है? पहले तो आपको पता था रिजल्ट शाम तक आ जाता था। ये तो वजूहत, ये पीपल का हुकूमत है ना, ये पीपल का हुकूमत जिसको ये रिजल्ट इसकी वजह से रुकाया ना, कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना, ये जिताने की कोशिश करते ये नहीं जिताएगा। अच्छा, कल के जो इलेक्शंस वगैरह हुआ, क्या आप इनसे मुतमईन हैं कि साफ शफाफ हुए, धांधली हुई? कल से मैं मुतमईन है कि ये जो जमात इस्लामी इसका जो ये जिताएगा। अच्छा, तो आप जमात इस्लामी के सपोर्टर हैं? हाँ, ये सारी इसको टोटलिस्ट है ना, ये सारी जो शरीफ पार्टी है ज्यादा नहीं करेगा किसी लोगों से। आप जो अपना कोई वस कर गए ना, साबुन करेगा लोगों से वस से, आप ये किसी की। अच्छा अंकल, और आने वाले मेयर कराची को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? आने वाला उम्मीद ये जमात इस्लामी जीती है। पहले इलेक्शन होते थे तो फोर ही रिजल्ट आ जाता था, अब तक रिजल्ट ना आने की वजह क्या है? 24 घंटे हो गए। ये धांधली का वजह है, पीपल वाला आगे आना चाह रहा है, इसको पीछे कर रहा है। अच्छा, ये धांधली करने के मकसद से मतलब रिजल्ट शो नहीं किया जा रहा है आपके मुताबिक? जी जी। आपके मुताबिक कौन जीतेगा कल के इलेक्शन पर? कल के इलेक्शन में जमात इस्लामी वाले सब ने वोट उसको दिया है, और मेयर कराची भी जमात इस्लामी का आएगा आपके मुताबिक? इंशाल्लाह। आने वाले मेयर कराची को लेके क्या उम्मीदें हैं? कराची के रोड बन जाएंगे, पानी सीवरेज वगैरह खत्म हो जाएगा। इससे पहले तो भी तो काफ़ी मेयर वगैरह आ चुके थे, इनके पास मतलब टाइम था मगर इन लोगों ने काम नहीं किया। अब कैसे आप उम्मीद रख सकते हो इन लोगों से? जमात इस्लामी वाला आके सही काम करेगा। अच्छा, पीपल वाले दो नंबर काम करेंगे। और भाई कह रहा है कि मतलब ये जो रिजल्ट है ये रोकने के पीछे मेन वजह है कि धांधली करने के लिए रोक रहे हैं? जी जी, पीपल वालों को कोई आना नहीं चाह रहा है, वो ज़बरदस्ती आ रहा है। ये जीतेगा, नून तो जीतेगी, नून लीग जीतेगी। हाँ, अच्छा। और पहले जब मतलब इलेक्शंस वगैरह हुआ करते तो शाम तक रिजल्ट आ जाता था, अब तक ना आने के पीछे मेन वजूहत क्या है, आप क्या समझते हैं? अभी देखो क्या बनता है, हूँ अभी तो आया नहीं, तो कोई तो काम चले है ना, देखिए वो नहीं आई अभी तेरे। मेन वजूहत तो यही है इसके अंदर, क्या कोई अपना मफाद के लिए जो नहीं रिजल्ट रोके गए हैं। अव्वल तो इलेक्शन कमीशन ने वैसे ही जो नहीं है जो इलेक्शन करवाएं, ये एक तरीके से वैसे ही वो हल्का बंदियों का इशू था, उसको सही नहीं किया गया, वोटर लिस्टें थी उसको इशू नहीं किया गया, उसके बावजूद भी इलेक्शन करवाए गए, तो उसका मतलब है कि बस इन्होंने ये चलता हुआ काम किया है। और उसके अलावा क्या समझते हैं कि आप क्या समझते हैं कल के जो इलेक्शन हुए क्या वो साफ शफाफ हुए? पोलिंग स्टेशनों में वगैरह कोई मतलब ज़्यादा रश भी देखने को नहीं मिला, इस हवाले से भी थोड़ा कुछ हमारे नाज़रीन को आगाह? एक तो MQM का बाइकआउट था, उसके अलावा भी टर्न आउट, और वैसे ही बलदियाती इलेक्शन में टर्न आउट कम ही होता है बलदियाती इलेक्शन का, लेकिन ये कि पुरअमन थे शफा, एक दो जगह पर कुछ सुना था कि कुछ हालात वगैरह कशीदा हुए थे, बाकी ये कि वैसे पुरअमन रहे। अच्छा, आपके मुताबिक मतलब मेयर कराची कौन किस पार्टी से आएगा और कौन आएगा? मेयर कराची के लिए तो भाई हाफिज़ नईम रहमान साहब को आना चाहिए, एक मौका उनको भी मिलना चाहिए, बहुत मेहनत की इन्होंने इस शहर के लिए। कल के जो इलेक्शंस हुए क्या वो साफ शफाफ हुए आपके मुताबिक, आप क्या समझते हैं? यार हम लोगों ने तो वोट दिए, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमको पता नहीं। अच्छा, उसके अलावा आप कौन सी मतलब पार्टी से पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? मैं तो जमात इस्लामी को पसंद करता हूँ, हाफिज़ नईम रहमान को। हाफिज़ नईम रहमान को, और यहाँ के जो हालात हैं उनको देख के आपको क्या नज़र आ रहा है कि मेयर कराची कौन होगा यहाँ का? तो हम बोले कि हाफिज़ नईम रहमान बने तो अच्छा है, तो कराची के लिए भी सही है, इस कराची के लिए वही सही है और कोई नहीं। पहले जब मतलब इलेक्शंस हुआ करते थे फौरी रिजल्ट इनका आ जाता था, अब तक 24 घंटे हुए हैं, ये बलदियाती इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं दिया गया, इसके पीछे वजूहत क्या है? यार ये तो अंदर पता चलेगा, हमको तो इसका पता नहीं, हमने तो खाली वोट दिए, बस वोट दे के अभी रिजल्ट कब आएगा ये पता नहीं। पहले जब इलेक्शंस हुआ करते थे तो शाम तक उसका रिजल्ट निकल आता था, अब तक 24 घंटे हो गए हैं, रिजल्ट न देने के पीछे मेन वजूहत क्या है? भाई ये तो मोहल्ले, आपको पता है हुकूमत जिसकी है वो अपना हिसाब किताब कर रहे होंगे, जब उनकी मर्ज़ी का होगा तो आ जाएगा,
और इसके अलावा आप कौन आप आवाम इससे खुश नहीं है, आवाम तो ये है कि मशीन से होना चाहिए ताकि उसी वक्त जवाब आ जाए, ये जो शक आता है ना ये शक ना हो। और क्या करें अभी, आपके मुताबिक मेयर कराची किसको आना चाहिए जो हमारे मसाइल देख सके? और जमात इस्लामी को आना चाहिए। और कल के जो इलेक्शन हुए उसको देखते उसकी बिना पे आप क्या समझते हैं कि कौन आएगा? मुझे नहीं लगता है वो आएंगे, शायद उनको आने भी नहीं देंगे, धांधली करके आने नहीं देंगे या उनके सपोर्ट नहीं, ये हम लफ्ज नहीं कहेंगे, अब ये खुद समझते हैं कि क्या हो सकता है। जी तो नाज़रीन, हमने आवाम की राय ली। अक्सर जो हमारे जो आवाम है वो जमात इस्लामी को सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि जो हमारा जो मेयर कराची है वो जमात इस्लामी का है। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।